तृतीया के अवसर पर राधा दामोदर लाल जी को चंदन लगाया जाएगा और चंदन घिसने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। वृंदावन के सप्त देवालयों में से एक ठाकुर श्री राधा दामोदर मंदिर में इन दोनों अक्षय तृतीया की तैयारी बड़ी जोर शोर से की जा रही है। आपको बताते चलें कि वृंदावन में अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी को चंदन का श्रृंगार कर सजाया जाता है। साथ ही ठाकुर जी को अक्षय तृतीया के दिन अनेकों ठंडी वस्तुओं का भोग भी लगाया जाता है। इसी क्रम में राधा दामोदर मंदिर के बड़े गोसाई आचार्य कनिका प्रसाद गोस्वामी महाराज की अध्यक्षता में चंदन घिसने का कार्य किया जा रहा है, जिससे साउथ से आए हुए चंदन को नित्य प्रतिदिन सेवायतों के द्वारा ठाकुर जी के श्रृंगार हेतु घिसा जाता है। आपको बता दें कि 45 दिनों तक चंदन घिसने का कार्य किया जाता है। वहीं इस मौके पर बोलते हुए ठाकुर राधा दामोदर लाल के अंग सेवक चंद्र दामोदर गोस्वामी महाराज ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अक्षय तृतीया के पर्व की तैयारियां मंदिर परिसर में प्रारंभ हो गई है। मंदिर परिसर में नित्य प्रतिदिन सेवाओं के द्वारा चंदन घिसने का कार्य किया जा रहा है। चंदन साउथ से मंगाया गया है। साथ ही इस चंदन से अनेक ठंडक प्रदान करने वाली वस्तुओं का मिश्रण कर अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया को 10 मई को मंदिर परिसर में मनाई जाएगी, जिससे संध्याकालीन बेला में ठाकुर राधा दामोदर लाल अपने भक्तों को चंदन श्रृंगार कर दर्शन देंगे और साथ ही ठाकुर जी को ठंडी वस्तुओं का भोग भी लगाया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि ब्रज में अक्षय तृतीया का महत्व ही बहुत है। इस दिन दान पुण्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन ठाकुर जी को तरबूज खरबूज सत्तू आम इत्यादि ठंडक प्रदान करने वाली वस्तुओं को समर्पित किया जाता है। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। आज मंदिर परिसर में अक्षय तृतीया की तैयारी चल रही है, चंदन का घिसना प्रारंभ हो गया, क्या कुछ कहेंगे और कितने दिनों से तैयारी चल रही है? जय निताई गौर, जय राधा दामोदर लाल की। हम सब ब्रजवासियों के लिए, समस्त भक्तों के लिए, जो हमारा सबसे बड़ा त्योहार ठाकुर जी का विशेष उत्सव जो साल में एक बार आता है, अक्षय तृतीया चंदन यात्रा महोत्सव, इस वर्ष जो कि 10 मई को श्री धाम वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर में बहुत आनंद के साथ मनाया जाएगा, जिसके उपरांत मंदिर में ठाकुर जी का संपूर्ण श्रृंगार चंदन से शोभित होंगे, जिसमें ठाकुर जी के चंदन का मुकुट, चंदन के कंगन, चंदन का बाजूबंद, चंदन की माला, चंदन की धोती, चंदन के पायल, ठाकुर जी संपूर्ण चंदन में शोभित रहेंगे, जिसमें उस चंदन के लिए 45 दिन तक हम सब गोस्वामीगण ठाकुर जी के लिए चंदन को घिसते हैं। घिसने के बाद सारे चंदन को इकट्ठा करके उसमें गुलाब जल, इत्र, औषधि, अगरू मिला के भगवान के उस चंदन को सुगंधित और शीतलता प्रदान करे ठाकुर जी को, वैसा बना के भगवान के पूरे अंग में लगाया जाता है, उसका विशेष श्रृंगार किया जाता है, भगवान को विशेष तरीके की शीतल भोग प्रदान की जाती है, जिसमें खरबूजा, तरबूजा, सत्तू, ककड़ी, अनेक तरीके के शरबत आदि ठाकुर जी को, राधा दामोदर जी को लगाया जाता है। ये दर्शन इस वर्ष 10 मई को संध्या 5:30 बजे से लेकर 10 बजे तक श्री धाम वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में, मंदिर के परम पूज्य आचार्य श्री कनिका प्रसाद गोस्वामी जी, बड़े गोसाई जी महाराज के पावन सानिध्य में मनाया जाएगा। आप सभी भक्त आनंद से आइए, प्रेम भक्ति लीजिए। कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी भजन करते हैं, जो भी हम सेवा करते हैं, वो कभी क्षय नहीं होता है, वो हमेशा अक्षमित फिक्स डिपॉजिट की तरह आपका वो सेवा भगवान के चरणों में रहता है। तो आप सभी सेवा का, भजन का लाभ उठाइए, अक्षय तृतीया में राधा दामोदर जी के दर्शन में अवश्य पधारिए। राधे राधे, जय राधा दामोदर।